मौलाना तहसीन जिलानी साहब के बयान सुनने के लिए तहसीन जिलानी ऑफिशियल को सब्सक्राइब करें। इस बात से भी खौफ करो कि जब इंतकाल हो जाएगा, कब्र में जाना होगा, सरकार का दीदार होगा, तो जिनके चेहरे पर सुन्नत रसूलुल्लाह नहीं है, जिनके चेहरे पर दाढ़ी नहीं है, तो कहीं सरकार ने पहचानने से इनकार कर दिया और फरमाया ये मेरा नहीं है, ये मेरा नहीं है। अगर इतना सरकार ने कह दिया फिर क्या करोगे? तो अल्लाह के वास्ते चेहरे पर सुन्नत रसूलुल्लाह सजा लो। जो लोग कहते हैं कि सुन्नत रसूलुल्लाह जिसके चेहरे पर होती है, दाढ़ी जिसके चेहरे पर होती है, उसका चेहरा बुरा लगता है, अच्छा नहीं लगता है, हम कहते हैं गलत हैं वो लोग जो ऐसा बोलते हैं। बल्कि जिसके चेहरे पर सुन्नत रसूलुल्लाह होती है, जिसके चेहरे पर दाढ़ी होती है, वही लोग अच्छे लगते हैं, उनके चेहरे पर अलग ही नूर लगता है। तो अल्लाह के वास्ते आप अपने चेहरे पर सुन्नत रसूलुल्लाह को सजाओ।